नमस्ते रवि सिंह चौधरी जी, वेलकम टू काविज्म। तो आज के मेरे गेस्ट बहुत ही स्पेशल हैं क्योंकि वो वेरी वेल एजुकेटेड हैं और वो हमें एंशंट साइंसेस से जोड़ रहे हैं। वहाँ के ये झारखंड को बिलोंग करते हैं और वहाँ के कई और स्टेट्स में भी वो किसानों को हमारी प्राकृतिक एंशंट विजडम के साथ जोड़ के जैसे कहते हैं सीड से मार्केटिंग तक उनकी मदद कर रहे हैं। तो वेलकम अगेन एंड वी आर सो हैप्पी टू हैव यू टुडे जी। तो थोड़ा बहुत ये बहुत बताइए धन्यवाद कि मैम जी। इट्स आर प्लेजर सर। तो आप मैकेनिकल इंजीनियर है बाय प्रोफेशन, आप एंशियंट साइंसेस पर्टिकुलरली वृक्ष आयुर्वेदा पे कैसे आपका ध्यान गया उसके बारे में समझाइए। ओके ओके। मैकेनिकल बैकग्राउंड होने से क्या फायदा हुआ कि मैं इंडस्ट्री में समय बिताया, तो वहां पर हम लोग एक रूट कॉज एनालिसिस करते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को एसेस करने के लिए फिश बोन डायग्राम बनाना एंड रूट कॉज एनालिसिस करना। तो हुआ क्या कि जब हम लोग फार्मिंग में उतरे तो ऑब्वियसली जब मैंने हर्बिसाइड को देखा, मतलब ऐसा नहीं था कि ऑर्गेनिक या नेचुरल करना है, मतलब कुछ आइडिया ही नहीं था कि करना क्या है। बट वो जो जो बॉटल पे वार्निंग्स रहते हैं कि ये क्या कॉज कर सकता है, तो बहुत डरावने हमें दिखे। हमने पढ़ा तो देखा कि अच्छा, ये तो ऑर्गन फेलियर का वन ऑफ द कॉज है इंडिया में। तो फिर ऑब्वियसली नेचुरल फार्मिंग पे हम लोग उतर गए, लेकिन फेल हो गए। मतलब पहले 6 महीने 1 साल जो है फेल हो गए। तो फेल हुए तो ऐसा नहीं कि हमने हीट एंड ट्राइव किया, मतलब वेल एस्टैब्लिश्ड जो मेथड्स प्रचलित थे, फेमस थे थ्रू आउट इंडिया, वही हमने अप्लाई किया। तो फिर ये बात समझ में आई कि वन फिट्स फॉर ऑल ऐसा नहीं चलेगा। यू हैव टू गो फॉर वॉट सॉइल नीड्स, मिट्टी को क्या चाहिए, और इकोलॉजी पे आपको काम करना है, इकोसिस्टम पे काम करना है ना। आप पारासिटामोल के बदले कोई मेडिसिन ढूंढने जा रहे हैं, यूरिया के बदले कुछ ढूंढने जा रहे हैं, तो ये मॉडल फेल करेगा। तो उसकी स्टडी में कि अच्छा, 300 साल 400 साल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का है, और भारत को जब हम कह रहे हैं कि 10,000+ ईयर ओल्ड है एग्रीकल्चरल सिविलाइजेशन, तो ऐसा नहीं है कि एक अनस्ट्रक्चर्ड वे में कुछ रहा होगा। तो वो खोज हमें इस टेक्स्ट तक लाई, संस्कृत टेक्स्ट जो वृक्षायुर्वेद है, कि जो सीड से लेकर के पूरा हार्वेस्टिंग तक जो है एक वेल एस्टैब्लिश्ड संस्कृत श्लोक सूत्र हमें प्राप्त हुए। तो ये क्यूरियोसिटी ही थी कि ये 10,000 साल में ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी ने जो कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOPs कभी डेवलप ही ना की हो। सो दैट्स हाउ वी गॉट इनटू कि क्या है वृक्षायुर्वेद। एक्सीलेंट। एंड सो यू आर सेइंग कि आपकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई एंड दैट माइंडसेट ऑफ गोइंग टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम ने आपको मदद की जानने में इसके बारे में। वंडरफुल। तो मैं देखती हूँ कि जैसे आप इस एक्यूमेन रिसर्च बैकग्राउंड को लेके आए हैं, तो आप किन क्राइटेरिया में जैसे वृक्ष आयुर्वेद को डिवाइड कर सकते हैं? आर देयर पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, डिटेल में क्या क्या टॉपिक्स कवर होते हैं और हमें कैसे इसके बारे में और पता चलता ओके, ऑर्गेनिक फार्मिंग को क्या कहते हैं, जो एक प्रचलित है कि ये प्रोडक्शन कम देता है। कोई भी ऑर्गेनिक में शिफ्ट होगा तो उसे इकोनॉमिक लॉस होगा और 3 साल आपको वेट करना पड़ता है, ये एक माइंडसेट है, ठीक है। और आप एक्स्ट्रा प्रोडक्शन नहीं ले सकते कंपैरेटिवली अगर आप देखते हैं तो। एक तो ये शब्द जो है, ये जो सब्जेक्ट है, ये इट्स नॉट एग्रीकल्चर, इट्स वृक्ष आयुर्वेद, प्लांट लाइफ साइंसेस है ना। जो आयुर्वेद फॉर ह्यूमन हम कहते हैं, ये आयुर्वेद फॉर प्लांट्स है, ठीक है। तो क्वालिटी प्लस क्वांटिटी दोनों कंसिडर करता है। तो ये जो पूरा एक साइंस है, जो वात पित्त कफ की एनालिसिस जो हम मनुष्य में करते हैं वो पौधे में हो रहा है, और हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, क्वालिटी की बात कर रहे हैं, साइज की बात कर रहे हैं। और क्या होता है कि आइडियोलॉजिकली एक्सट्रीम में लोगों की जाने की आदत है। जैसे फुकुनावा जो वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन पूरा फेमस हुआ वर्ल्ड में, तो एक होता है कि डू नथिंग, एक एग्रीकल्चर हुआ कि नो टिलिंग करो, कुछ मत करो। लेकिन पॉइंट क्या है कि एक हॉबी एग्रीकल्चर होना, आपके पास बहुत ज्यादा लैंड होना, वहां ठीक है, सस्टेनेबल है। बट एक एज पे जो फार्मर है, जिसका 1 एकड़ लैंड पे है, 2 एकड़ लैंड पे है, तो हम हेल्थ लेके अगर हम जाते हैं कि आप ऐसा मत ग्रो करो, ये हेल्दी नहीं है, तो ये कस्टमर ओरिएंटेड बात है। उसका जो पहला प्रॉब्लम है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ठीक है।
तो आप अगर कोई ऑल्टरनेटिव देने जा रहे हैं तो आप मोरल लाइन पे सिर्फ सपोर्ट नहीं कर सकते आपको, क्योंकि वो सिस्टम कोलेप्स कर जाएगा। ऑब्वियसली बहुत लोग नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग किए और 2-3 साल में छोड़ देते हैं, ऐसे बहुत एग्रीप्रीनियर्स मैंने देखे हैं, और इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि पैसे नहीं आते हैं। ठीक है, तो हम जो कहते हैं चाणक्य जो कहते हैं कलयुग में है कि धर्मस्य मूलम अर्थ, ये रिवर्स हो जाता है कलयुग में, अर्थ जो है वो ज्यादा धर्म को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो यहां पर वृक्षायुर्वेद वो नॉलेज लाता है कि आप प्रोडक्शन पे कैसे काम करें, इट्स नॉट जस्ट नॉन केमिकल फार्मिंग बट क्वालिटी प्रोडक्शन, आप कैसे नेचुरली हर्बल सॉल्यूशंस यूज करके कैसे आप बढ़ा सकते हैं। तो चैप्टर्स अगर मैं बोलूं तो इसको अगर हम बांटते हैं तो बीज से मतलब एक चैप्टर अगर हमने रखा बीज शोधन पे, अगर हमने रखा कि सीड का जो ट्रीटमेंट है उसके ऊपर बहुत बात होती है। ठीक है, और जो ऑब्वियसली लोग ध्यान नहीं देते हैं, अब क्या है कि अभी की जो सीड है वो कोटेड आती है, तो कोटेड आती है हाइब्रिड सीड की मैं बात कर रहा हूँ, और नेचुरल फार्मिंग में हम देसी सीड की जब बात कर रहे हैं तो वो कोटिंग तो नहीं है। तो आपको पहले सीड प्रिजर्वेशन या बीज शोधन, सोइंग के पहले सीड पे आपको काम करना पड़ेगा। तो ये एक चैप्टर हो जाता है उसमें, एक पूरे सॉइल पे हो जाता है कि काइंड ऑफ सॉइल्स क्या है, उसका शडरस क्या है, टेक्सचर क्या है, तो आपको कहाँ ट्री का प्लांटेशन करना है, कहाँ वेजिटेबल होगा, किसको छोड़ देना है, किसको पॉन्ड बनाना है। तो सॉइल की क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड एंड टेक्सचर, वो पूरा एक चैप्टर हो जाता है। ठीक है, एंड देन जो हम मैन्योर की बात करते हैं और जो ऑक्स है या बुल है उसका जो मैनेजमेंट है, या प्लॉइंग का जो पूरा है कि कितना प्लॉइंग करना है ना, एंड देन कैटल मैनेजमेंट अगर हम कहें, तो ये 3 चैप्टर वो हो गया। चौथा चैप्टर हो जाता है जो हम कहते हैं कि नक्षत्र, प्लैनेटरी जो मूवमेंट्स हैं या जो पोजीशंस हैं उसके अनुसार कौन सा जो है टाइम सही है सोइंग का एंड हार्वेस्टिंग है। जैसे कि बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर में बात होती है कि अच्छा आपको जो है हार्वेस्टिंग में सॉइल में कम पानी चाहिए होती है ताकि बहुत ड्राई हो धीरे धीरे वो प्लांट, और सोइंग के समय ऐसा हो कि अच्छा वाटर का प्रेजेंस, मॉइस्चर अच्छा रहे सॉइल में। ऑब्वियसली मून जब बड़ा होगा, फुल मून होगा, तो ग्रेविटेशनल पुल सिर्फ ओशंस पे नहीं होते हैं, ग्राउंड वाटर्स पे भी होते हैं, तो ये ऊपर आते हैं तो सॉइल मॉइस्चर्स ज्यादा रहते हैं। तो आप प्लानिटरी पोजिशंस को देख करके सोइंग टाइम एंड हार्वेस्टिंग टाइम डिसाइड करते हैं। जो पंचांग या नक्षत्र हो गया, 4 चैप्टर हो गए। पांचवा हो गया जो रूट कॉज है बीमारियों का, या तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी, या कीट होगा, या तो कीड़ा होगा, या माइक्रो लेवल पे जो वायरस, फंजाई एंड बैक्टीरिया, जो ब्रॉड कैटेगरी अगर कहें तो 3 तरह से बीमारियों का हम जो है क्लासिफिकेशन करते हैं, और इसका सॉल्यूशन वृक्षायुर्वेद देता है। ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है। ठीक है, एंड देन प्रिजर्वेशन पे बात आती है कि कैसे हम बाद में हम प्रिजर्व करते हैं, और बाद के जो वृक्षायुर्वेद की बुक्स हैं वो कुकिंग के पे भी चैप्टर्स देते हैं कि इसको कुक कैसे करते हैं, है ना। तो आपके ऐसे क्लासिफिकेशन आपको वृक्षायुर्वेद में दिखते हैं। मतलब एंड टू एंड सोल्यूशन, उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं देते। यस, एक्सीलेंट। ये कोई टुकड़ा नहीं है, मतलब इट्स ये कंप्लीट मिलता है। और ये पता हमें कैसे चला कि ये कंप्लीट है, क्योंकि एंड में माँ लक्ष्मी का वर्णन है, मतलब सब कुछ अब हो गया, अब लक्ष्मी आएगी, तो माँ लक्ष्मी के बारे में अगर बातचीत हो रही है मतलब एग्रीकल्चर समाप्त हो गया। इवन दीपावली में भी हम यहाँ साउथ में स्पेशली गोबर की पूजा करते हैं, और उसमें क्योंकि माँ लक्ष्मी का वास मानते हैं, तो हमारे सारे ही फेस्टिवल्स, एक्चुअली आपने बिल्कुल सही बोला, हम एक एग्रेरियन इकोनॉमी हमेशा रहे हैं, जिसकी वजह से भी हम इतने प्रॉस्परस थे। वर्ल्ड में हमारा इतना शेयर था जीडीपी में, तो एक्सीलेंट। आई मीन आई थिंक पार्ट्स ऑफ दिस एक्चुअली कैन बी इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस ऑल्सो फॉर चिल्ड्रन, और शायद हम उसके बारे में भी बात करेंगे कि कैसे रवि जी इज इन द कमिटी, नेशनल कमिटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ द सिलेबस करिकुलम फॉर अ न्यू एग्रीकल्चर कोर्स कम्प्लीटली बेस्ड ऑन नेचुरल फार्मिंग। तो बहुत अच्छा, उसके बारे में भी जानेंगे। दूसरा, ये बात आती है, आपने मेंशन किया कि गाय का मैनेजमेंट, एक तो ये कि गाय का रोल क्या है और देसी या लोकल होनी चाहिए क्या गाय, उसका क्या रोल है, क्योंकि जो लोग जैसे सुभाष पालेकर जी हैं वो सब लोकल गाय की बात करते हैं, तो उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस है? देखिए, मैं 2 पर्सपेक्टिव से इसको देखता हूँ। पहला क्या होता है कि जो क्लाइमेट को सूटेड होती है तो वो लो मेंटेनेंस होती है,
पहली बात यह है, आप जब भी डेयरी करते हैं तो थ्रू आउट इंडिया कहीं भी हो, उसका हम कूलिंग मैनेजमेंट पे बहुत ज्यादा, वेंटिलेशन पे बड़ा काम होता है, फॉगर सिस्टम है एंड ऑल। तो जो आपके क्लाइमेट की नहीं है, माइक्रो क्लाइमेट की नहीं है, तो आपको उसके सूटेड कंडीशंस पे काम करना पड़ता है, तो ऑब्वियसली वो पैसा लेगा, ठीक है, वो पैसा बहेगा, उसमें बर्नआउट होगा। तो जब हम कृषि में बात आ रहा है, तो मेरा जो मेन प्रायोरिटी है, मेन जो क्रॉप है, वो इकोलॉजी और सिस्टम डिजाइन पे है। तो इसमें मेरा जो मेन कमोडिटी है वो दूध नहीं है, ठीक है। तो दूध जब नहीं है तो हम लो मेंटेनेंस पे जाते हैं, तो ऑब्वियसली हम देसी गाय पे आ जाते हैं। एक तो वो सीधा सीधा कारण है। दूसरा, गाय नहीं मतलब देसी गौवंश में बैल, गौवंश जब भी हमने शब्द प्रयोग कर दिया, मतलब पूरे फैमिली की बात हो रही है, बाछा बाछी जो है पूरा बैल सबका है। तो ऑब्वियसली वो इंटेस्टाइनल जो प्रॉपर्टीज होती है, जैसे अलग अलग स्पेसीज में जो है इंटेस्टाइन में जो प्रेजेंस ऑफ जो बैक्टीरिया है वो अलग अलग होता है, ठीक है, उसका जो है पूरा ऑब्वियसली सब अलग होता है, एंड ये स्पेसीज ही अलग है। आप इसको गाय हिंदी में कहते हैं, बॉस टॉरस एंड बॉस इंडिकस दोनों अलग स्पेसीज ही है। अगर सेम स्पेसीज भी होती तो कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे अफ्रीकन अगर काव है, वो काव भी चलेगी हमारे खेत में, ठीक है, अगर हम उसका गोबर का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो जो सूर्य केतु नाड़ी हम कह रहे हैं, जो ओपन ग्रेजिंग काव है, वो ज्यादा मैंने हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर देसी गौवंश है और बंधी हुई है, इट्स टाइड डाउन है, तो नहीं चलेगी, क्योंकि उसका पूरा इंटेस्टाइनल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगा, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए जो डेयरी के गाय हैं क्यों खराब रहती है, क्योंकि जितना हम फीड करते हैं उतना वो फिजिकल लेबर नहीं है, वो वॉकिंग नहीं कर रही है, ठीक है। तो कृषि में ओपन ग्रेजिंग, फ्री ग्रेजिंग, देसी काव, लो मेंटेनेंस गाय होनी चाहिए, और वो बेहतर रिजल्ट देती है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, लेकिन मैंने जो पर्सपेक्टिव दिया, लो मेंटेनेंस, ठीक है, देसी गौन सब, कुछ बैक्टीरिया की संख्या ज्यादा है, ठीक है, उस पे हम जो है काम करते हैं। अगर बाहर की कोई ब्रीड है तो यस, यू हैव टू मेक कंपोस्ट, सीधा सीधा खेत में आप नहीं डाल सकते, क्योंकि ऑब्वियसली जो जर्सी गाय है, मतलब वो ओपन ग्रेजिंग नहीं होगी, डेयरी का गाय होगा, वो बंधी हुई होगी, मतलब उसके गोबर में बहुत ज्यादा गैस होगा जो बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स को भी मार दे, ऐसा भी हो सकता है, और पैथोजेंस की संख्या बढ़ा दे, ठीक है। तो इतना एनालिसिस हम किसान को क्यों दे, तो सीधा सीधा हमने बोल दिया कि अच्छा देसी गोवंश ही आप करो, ठीक है। तो ये एक है कारण कि हम ये क्यों सपोर्ट करते हैं, रिकमेंड करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा भी है कि उसका गोबर दोनों गायों का बहुत ही अलग होता है, एकदम टेक्सचर भी अलग, स्मेल भी अलग होती है। तो ये बहुत बेसिक यू नो हमारे 5 सेंसेस से भी हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, बट आपने बहुत अच्छा उसका साइंटिफिक रीजन भी बताया। और जो ग्रेजिंग की बात कही आपने, बहुत ही सुलभता से इतनी अच्छी एक मतलब बात जो हमारे शास्त्रों में भी शायद अथर्ववेद में है कि एग्रीकल्चर कम्स फोर्थ फ्रॉम द इंटेस्टाइन ऑफ द काउ एंड ऑल्सो द मूवमेंट, मतलब द मूवमेंट ऑफ द काउ, गाय का चरना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या आप समझते हैं कि ग्रेजिंग लैंड अलग होता है और एग्रीकल्चर लैंड अलग होता है, या दोनों को हम एक साथ भी मैनेज कर सकते हैं? देखिए, जितना हमारे पास कुशन है हम उतना रिसोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अगर ग्रेजिंग लैंड नहीं है तो हम क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं, मतलब एक एक ही लैंड को आपको 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, और उसकी 2 साल आपने इधर खेती की, अब 2 साल बाद जो है वो बाड़ा जो है आप शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप लगातार एक ही जगह खेती नहीं कर सकते हैं, वो बेहतर है दोनों के लिए, गाय के लिए भी और खेत के लिए भी, न्यूट्रिशनल रिप्लेसमेंट भी हो जाता है। और जो शास्त्र में है उस समय, मतलब हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ लैंड है, ठीक है, तो वहां पर यह कहा जाता है कि जो भी खेत, अर्थशास्त्र ये कहता है, जो पहला सूत्र है, ठीक है, आपका शीताध्यक्ष जो है, शीता मतलब खेती, अध्यक्ष मतलब जो उसका सुपरिटेंडेंट है, तो वो ये कहता है कि जो भी भूमि जोती नहीं गई है, जो कल्टीवेशन जहां जहां नहीं हुआ है, उसको मार्क करो और उन सबको फॉडर फार्मिंग में एंगेज कर दो, ठीक है। तो दैट्स द थंब रूल कि फॉडर फार्मिंग आपको थ्रू आउट करनी है, क्योंकि 60-70% कॉस्ट जो है वो गाय के फीडिंग का ही है, ठीक है। तो एक गरीब गौ पालन कैसे करेगा जब उसको फ्री ग्रेजिंग फॉडर, मतलब उसको फ्रीली अवेलेबल होगा, तो
ये क्या होता था कि गवर्नमेंट सपोर्टेड स्कीम हो गया ये, कि जो भी अनकल्टीवेटेड लैंड है गवर्नमेंट उसमें फॉडर फार्मिंग करवाएगी, ठीक है। तो ये है आपका भारतीय कंसेप्ट गोचर भूमि का। जी, और आपने दो किताबें भी लिखी हैं, कृषि संहिता और गो संहिता, है ना? तो उनके जी बारे में आप बताइए, और कैसे रीडर्स को मिल सकती है? दोनों पुस्तक तो एग्जॉटिक इंडिया आर्ट पे ऑनलाइन अवेलेबल है, ठीक है। और एग्जॉटिक इंडिया आर्ट के बारे में तो मुझे कुछ नहीं कहना, क्योंकि उसमें जितने भी भारत के आपको एंटिक्स कुछ भी चाहिए आपको सब वहां मिल जाते हैं, शास्त्र से लेकर के आइडल्स तक सब कुछ आपको मिल जाते हैं। तो ये दोनों पुस्तक जो है ये नहीं समझना है कि एक एकेडमिक वर्क है, ठीक है। ये मैनुअल की तरह लिखी गई है दोनों पुस्तक। एक नया एग्रीप्रेन्योर या नया गौ पालक जो आना चाहता है इस क्षेत्र में, तो कैसे मिस्टेक्स को अवॉइड करे और क्या क्या स्टेप प्रोसीजर्स है पूरा इस सेक्टर में आगे बढ़ने की, तो पूरा जो है नो हाउ जो है एक एक सेगमेंट्स का अच्छे से दिया हुआ। और देन वहां पर रेफरेंस शास्त्र का है कि मैं जो कह रहा हूँ ये आउट ऑफ ये इनोवेशन या मेरे क्रियोसिटी मेरे माइंड का क्रिएशन नहीं है। जैसे नाम भी आ जाता है, जैसे सुभाष पालेकर फार्मिंग का नाम जैसे आया, तो मेरी क्यूरियोसिटी भी ये थी कि मतलब इन्होंने भी तो किन्हीं से सीखा होगा। और दैट वाज द रीजन मैं वृक्षारवेद तक पहुंचा, क्योंकि ऋषि भारत में जो हम लोग कहते हैं ना मंत्र द्रष्टा, दे आर दी ओनली दी फाउंडर्स या कहते हैं डिस्कवरर्स, नॉट द क्रिएटर्स ऑफ द नॉलेज, है ना। सो ये दोनों पुस्तक में आपको वो एक एक चीज बेसिक्स एंड कलेक्शंस है। बेसिकली ये फार्मर से कलेक्टेड है सारा नॉलेज, एंड उन्हें नहीं पता है कि वो शास्त्र आधारित है, बट वो प्रैक्टिस देख के समझ में आ जाता है कि वो जैसे साम दाम दंड वेद लोग शब्द में प्रयोग करते हैं, तो ये शास्त्र से ही आता है। तो कहाँ पे है श्लोक नहीं पता, बट लोग को पता है कि हाँ इट इज कमिंग फ्रॉम द शास्त्र ओनली। अमेजिंग। तो ऐसे जो फार्मर्स हैं उनके कुछ कांटेक्ट या वो सब भी मेंशन होगा क्या किताबों में, लाइक इफ वी वांट टू रीच आउट टू देम, ऐसा कुछ है क्या जो किताबों में? गौ संहिता है एक्चुअली सेकंड वाले, क्योंकि कृषि संहिता मेरी पहली बुक थी तो मुझे वो एटिकेट वो पता नहीं था कि कैसे रेफरेंसेस साइटेशंस कैसे कैसे हम लोग देते हैं। बट सेकंड बुक में मैंने सारे इंटरव्यू, सारा जो फार्मर्स के नाम है बेसिकली हमारे ही रीजन के हैं, उनका पूरा लिस्टिंग मैंने किया है। और पहला तो वैसे भी वो ग्रंथ आधारित है, और एक दो प्रैक्टिसेस जो है वो लोकल फार्मर्स के ही थे हमारे झारखंड के ही। अच्छा, इवन जैसे जो बायोडायनेमिक फार्मिंग है, मेरे ख्याल से उसमें भी उन्होंने काफी वृक्षारोपण से ही लिया है, उसको पैकेज करके अपना नाम दे दिया है। लेकिन ये जो BD500 जो हॉर्न खाद वगैरह बनाते हैं, उसका रेफरेंसेस भी मिलता है क्या वृक्षारोपण में या इस बायोडायनेमिक फार्मिंग ओके के? ओके, देखिए शास्त्र जो है वो मोर देन 10 है इसमें। वृक्षायुर्वेद तो हेल्थ केयर जैसा है प्लांट का, मतलब वो मेन प्रायोरिटी है। कृषि पराशर ग्रंथ में नक्षत्र की बात होती है, जो आपने बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर कहा, तो कृषि पराशर में ये सारी बात है। तो ये श्रृंगेरी चिकित्सा हम लोग कहते हैं काउ हॉर्न का जो यूज होता है, तो ऑब्वियसली मतलब सबसे ज्यादा जो एक्सेस हमारे संस्कृत टेक्स्ट का रहा है वो जर्मनी का ही रहा है। सबसे ज्यादा अगर हमने हम देखते हैं तो मतलब पॉइंट टू पॉइंट तो मुझे श्लोक नहीं मिले हैं आप कहें बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर के, बट जो एसेंस है ये जो सुपरस्टिशन लोग मानते थे ना कि अच्छा आप पंचांग और आप ये एस्ट्रोलॉजी, ये तो भाई साहब साइंस के जमाने में आप इसको कैसे मान रहे हैं। तो यू सी मतलब एग्रीकल्चर वाले फील्ड में आप उसको अगर सीरियस ले रहे हैं तो कोई तो हेड स्टार्ट रहा होगा, आपको कहीं से तो मिला होगा, है ना। ये एलोवेरा पे भी हमने बात की थी कि 4.5 लाख से ज्यादा हर्ब्स हैं, तो हमारे प्राचीन जो लोग रहे भारत में वो कितने हर्ब्स खाकर मरे होंगे, है ना। देन वो सेलेक्शन होते होते तो किसी को है एक नाम घृत कुमारी मिल गया, एंड देन वो पेटेंट करा करके फिर नोबेल प्राइज भी आप ले रहे हैं, तो आप कहीं से तो स्टार्ट करेंगे ना। तो वो जो मेहनत है वो आपको इंडियन टेक्स्ट में आपको पूरा का पूरा मिल जाता है, वो जो पूरा हजारों साल का कलेक्शन है पूरा। जी, आपकी ये जो धनवंतरी नेचुरल फाउंडेशन है, इसके बारे में बताइए क्या क्या काम होता है इसके अंडर और किसके ओके, लिए ये वर्क करता है?
ये जो फाउंडेशन है ये नेचुरोपैथी के तरफ हम इसको प्रोग्रेस करना चाहते हैं, ठीक है, नेचुरोपैथी एंड वेलनेस सेंटर की तरफ। लेकिन इसके पहले इसका जो पूरा बेस है, हम लोग कहते हैं अन्नमय कोश, जो हम पंचकोश से बने हैं, कि अगर किसी व्यक्ति को ठीक करना है तो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। तो फूड पे ही अगर हमने वर्क नहीं किया तो वो हेल्थ केयर, वो पूरा जो है उसका फाउंडेशन ही खराब हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जो फार्मर्स हमने डेवलप किए हैं, कृषि उत्थान जो बैनर के तले पूरा जो हमने 5 साल काम किया, उसका अब ये वैल्यू चेन से सप्लाई चेन की तरफ अब जो है ऑल ओवर इंडिया हमारे जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल पहले हों, उसके लिए हम अभी फर्स्ट फेज में वो काम कर रहे हैं। तो ई कॉमर्स वेबसाइट अभी अभी आ रही है, कुछ ही दिन में लॉन्च होगी धनवंतरी NF.in में। उसमें आपको प्रोडक्ट्स हमारे जो फार्मर्स ग्रो करते हैं वो अवेलेबल होंगे, एंड देन ये फिर कुछ साल में आपको एक नेचुरोपैथी हेल्थ केयर सिस्टम के रूप में आपको ये दिखेगा। एक्सीलेंट। तो और आपने एक पेपर पे भी काम किया है, लिखा है, जिसका नाम आपने दिया डीकोलोनाइजेशन ऑफ माइंड। माइंड, तो इसकी यस, क्या आवश्यकता है, इसके बारे में ओके समझाइए। ओके। ये हमारे घर में 1969 उस समय से योग के ऊपर पुस्तकें थी, ठीक है, बट हमने देखा कि योग जब योगा बना, ठीक है, मतलब रीरूटिंग करके आया, तो ये ट्रेंड बना एंड देन फॉलोड बाय मेनी पीपल। तो हमारा एक जो कॉमन सेंस है वो ये है कि हम अपनी ही बातों को एक्सेप्ट तब करते हैं जब उसका वेस्टर्न वैलिडेशन होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं कॉलोनाइजेशन ऑफ माइंड, यही है। आप आजाद जो है अलग अलग फेज में होते हैं, पहले आप जब गुलाम बने तो पहले कॉलोनाइज माइंड से हुए थे एंड देन लास्ट में आप पॉलिटिकली कॉलोनाइज होते हैं। तो अभी एक फेज आपका बस ये गया है कि पॉलिटिकली आप ठीक है, आप 47 में आप चले गए, बट सोशली होने में देखिए टाइम लगा। देन अभी भी जो मेंटली है कि ऑक्सफोर्ड एंड स्टैनफोर्ड का जब तक वो डाइस नहीं मिलता है तो लोग को नहीं लगता है कि वो बड़ा साइंटिस्ट है, ठीक है। तो डीकोलोनाइजेशन ऑफ माइंड, जब तक आप उस प्रोसेस से नहीं जाएंगे, आप अपना जो इंडिक रिसर्च है उस पे आप फुल कॉन्फिडेंस फेथ के साथ बढ़ेंगे ही नहीं, एंड स्केप्टिकल होके आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, है ना। स्केप्टिकल होके आप कुछ दूर चलेंगे और रुक जाएंगे, क्योंकि आपको पूरा का पूरा फ्रेमवर्क तैयार करना है। तो डीकोलोनाइजेशन ऑफ माइंड पेपर बेसिकली टारगेट करता है राजा राम मोहन रॉय को, जिसको हमने कहा सोशल रिफॉर्मर, एंड ही वॉज द पर्सन जिसने संस्कृत बंद करवाया था इंडिया में, ठीक है, ओके, कि संस्कृत पे काम नहीं होगा। तो संस्कृत इज द पेंडोरा बॉक्स, लेकिन उस अब 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट इंडिया में अवेलेबल है, ये लोगों को मालूम ही नहीं है, एंड दे आर रिसाइटिंग की तक्षशिला, नालंदा हमारा बर्न हो गया एंड वी हैव लॉस्ट मेनी मैन्युस्क्रिप्ट। लेकिन 1 करोड़, 1 करोड़, 10 मिलियन आपके अभी भी ऑलरेडी हैं, जिसमें ओनली 1 मिलियन पे काम हुआ है, डिजिटाइजेशन हुआ है, इट्स नॉट कि उस पे काम हुआ है। तो अच्छे माइंड्स तभी आएंगे जब ये डीकोलोनाइजेशन से वो फिल्टर होके, एंड देन दे विल रीड विथ न्यू फ्रेश परस्पेक्टिव ऑफ देयर ओन टेक्स्ट। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज है, हमारे छोटे बच्चों से लेके उनके मन में डालना। क्योंकि मुझे याद है जब मैं स्कूल में थी तो रामायण और महाभारत को हमें ज्ञान भारती नाम की किताब में पढ़ाया गया था, और उसमें जो कहानी राम भगवान को बताया की बताई गई वो थी वाली वध की। और जो महाभारत का चैप्टर था उसमें पढ़ाया गया था कि अश्वत्थामा को कैसे मारा गया। तो अगर आप देखें तो दोनों ही चैप्टर में बिना कॉन्टेक्स्ट समझाए हमें हमारे भगवान के अगेंस्ट, छोटे मन बच्चे होते हैं उनको क्या समझ में आएगा। वो तो यही सोचेंगे कि अच्छा हमारे राम भगवान ने इनको मारा, पीछे से मारा और ऐसे चीटिंग हुआ ये। बट द ट्रूथ इज कि बिना कॉन्टेक्स्ट समझाए, धर्म क्या है, कुछ भी बिना बताए हमारे बच्चों को बहुत ही आज भी गलत एजुकेशन ही हो रही है। तो इस पे काम करना बहुत जरूरी है, और इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है BSc एग्रीकल्चर ऑन नेचुरल फार्मिंग, बेस्ड ऑन नेचुरल फार्मिंग, इसमें जो कमिटी बनाई गई है और आप भी उस कमिटी के पार्ट है, इसका क्या पर्पस है और इसमें कितना हमारी इस डीकोलोनाइजेशन एस्पेक्ट को भी इंक्लूड करके क्या-क्या मतलब एस्पेक्ट्स कवर किए जा रहे हैं। ओके,
सबसे पहला आप देखिएगा, किसी भी फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, उसमें ये मेंशन करेंगे कि ये एंशियंट ग्रीक एंड लैटिन में ऐसा कहा जाता है। वो बात का प्रारंभ करते हैं ग्रीक एंड लैटिन से, ठीक है। तो वो यूरोपियन सेंट्रिज्म जो है कि है ना, यूरोसेंट्रिक जो हम कहते हैं। तो हमने पहला चैप्टर जो है, जो सुनीता मैम है उनके मतलब सानिध्य में, उनके लीडरशिप में, पहला चैप्टर हमने हेरिटेज ऑफ एग्रीकल्चर को इंट्रोड्यूस किया है। अब हेरिटेज ऑफ एग्रीकल्चर वो फादर ऑफ दैट डोमेन को डिसमेंटल करता है। ये फादर क्या होता है, मतलब एक सब्जेक्ट का कोई फादर नहीं हो सकता है ना। इट इज ऑलवेज 400 500 1000 मे बी इन लैक्स पीपल का एक कलेक्टिव जो एक डेवलपमेंट है, वो जा करके एक आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। यू आर द फर्स्ट क्लासिफायर। वेद व्यास को भी हम कहते हैं, वेद नहीं लिखा उन्होंने, वेद को बांटा उन्होंने, है ना। तो हेरिटेज ऑफ एग्रीकल्चर में हमने ऋषि परंपरा को इंक्लूड किया है, ऋषि पराशर, ऋषि कश्यप, जो ऋषि हैं हमारे हैं, परशुराम हैं, वो कैसे इसको एक जो सभ्य व्यक्ति है, जो हम कहते हैं ना हंटर गैदरर से जब कृषि की तरफ जा रहा है, तो ये वो कैसे वो दिखाते हैं, बताते हैं, सात्विक कैसे बताते हैं, गौ की जो महिमा है वो कैसे बताते हैं। एंड देन टाइमलाइन पे हमने काम किया, ये आयरन एज स्टोन एज जो ये कहते हैं, ये तो उनका है ना। मतलब आप अपना स्टोन एज और आयरन एज जो है आप हमारे ऊपर कैसे इम्पोज कर सकते हैं ना। तो हमने उसको 43,000 ईयर्स मतलब वो पूरा पुश किया है, जो एग्रीकल्चर है आपका उतना है। और वो अगेन वेस्टर्न रिसर्च का हमने साइटेशन दिया है कि आपने ही रिसर्च किया है कि 43,000 ईयर ओल्ड हमारा एग्रीकल्चर का रेमिनेंट यहाँ मिलता है भारत में। तो वैसी बातों को हम लोग लाते हैं बाहर, एंड उसमें कृषि में जो है वो जो गौ की महिमा है, अग्निहोत्र है, वो सारे को हम लोग हेरिटेज ऑफ एग्रीकल्चर, ये पहला चैप्टर ही होगा ये, ठीक है। तो कमिटी बहुत सारी बनी है, मतलब हमारा जो रोल था वो हेरिटेज ऑफ एग्रीकल्चर पे था, ठीक है ना। तो ये तो सच में एक रेवोल्यूशनरी कदम है। इससे हमारे एग्रीकल्चर जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको एक नई दिशा मिलेगी, मुझे लगता है। तो आपका बहुत धन्यवाद इस पे इतना कुछ आगे लेके आने के लिए। और मेरी तीसरी जो आपने बुक है वो इसी पे है भी मैम, तीसरी बुक जो अभी ड्राफ्ट रेडी है, ऋषिज इंटेलिजेंस, यही है फाइनली। ये इंग्लिश में आएगी, मतलब हिंदी में मेरी दो पहली दो पुस्तक वो फार्मर ओरिएंटेड थी हमारे अपने क्षेत्र के, बट जो थर्ड बुक है वो पैन इंडिया के लिए पूरी रहेगी, जो ऋषिज इंटेलिजेंस पे है। वो पार्ट ऑफ डीकोलोनाइजेशन ऑफ माइंड का ही ये पार्ट है, उस प्रोजेक्ट का ही। एक्सीलेंट, क्योंकि ऋषि शब्द का शायद अर्थ ही रिसर्चर, जिसको आज हम रिसर्चर कहते हैं ना, और भी बहुत डीप मीनिंग हो सकता है। आप बताइए ऋषि शब्द का क्या क्या अर्थ आप समझते हैं? हम लोग शास्त्र के अनुसार उन्हें मंत्र दृष्टा कहते हैं, जिन्होंने फिलॉसफीज नहीं दी है, जिन्होंने रियलाइजेशन किया है ट्रूथ का, एंड उस ट्रूथ को समाज तक लाया है। इस जो स्पिरिचुअल ट्रूथ हम कहते हैं उसका फुल एक्सपीरियंस लिया है, तो उसको हम लोग दर्शन शास्त्र कहते हैं। ऋषियों ने हमें क्या दिया है, एक जो एक सेक्शन है, बहुत सारा कार्य किया है ऋषियों ने, एक जो सबसे बड़ा कार्य किया उसमें कहते हैं दर्शन शास्त्र, दर्शन पर्सपेक्टिव, बट इट इज नॉट फिलोसफी। बट इंडिया में है या थ्रू आउट वर्ल्ड दर्शन को फिलोसफी के अंदर पढ़ाया जाता है, बट इट इज मोर और लेस साइकोलॉजी प्लस मेटाफिजिक्स प्लस रीजनिंग एंड प्लस फ्रेमवर्क ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द धर्म एंड साइंस। तो ऋषियों ने पूरा जो फ्रेमवर्क है धर्म का जो हम कहते हैं ना, वो पूरा इन्होंने डिस्कवर करके हमारे समाज के सामने उसको पूरा लाया है, अपने विचार नहीं रखे हैं, जो ट्रूथ से उसको सीख करके लाया है हमारे पास। जैसे न्यूटन का जो लॉ है, इट्स नॉट कि न्यूटन सोच के वो एक विचार दिया है ना, नहीं, जी उसने एक पैटर्न को देखा है एंड उसको फिर रिपीटेड पैटर्न्स को देख करके एक फॉर्मूला में उसने पुट किया। तो वही ऋषि हमारे उन्हीं सत्य को एंड कॉग्निटिव सेंस को हमारे पास वो लाते हैं। जी इनफैक्ट मैं यही मानती हूँ कि सब कुछ हमारे शास्त्रों में है, सिर्फ हमें उसको समझने की और अप्लाई करने की जरूरत है। तो ऐसे मैं ये नहीं कहूंगी मन में विचार आया, एक्चुअली मन में भी आया, लेकिन जब मैंने उसकी शास्त्र प्रामाणिकता देखी कि जो टेंपल पंचगव्य प्रोजेक्ट है जिसमें हम भगवान को जो चढ़ा रहे हैं दूध दही घी वगैरह, उसको
अगर हम गाय के गोबर और गोमूत्र के साथ मिला दिया जाए तो पंचगव्य बनता है, और वही चीज का रेफरेंस हमारे इतनी बार स्क्रिप्चर्स में आया है। उसके बारे में, पंचगव्य के बारे में आपका क्या कहना है, क्या एक्सपीरियंस है आपका, और फिर बाद में बात करेंगे टेम्पल पंचगव्य के बारे में। जी जी, पंचगव्य पे जो हमारा मेरी पुस्तक में आपको जब पंचगव्य मिलता है तो उसको मैंने पूरा नर्सरी मैनेजमेंट में पूरा उसका रिगरस यूज बताया है। और मुझे जो फार्मर्स ने व्हाट्सएप में फोटो भेजा, उन सभी ने पंचगव्य अपने नर्सरीज में इस्तेमाल किया और उन्हें बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिले। ठीक है, तो पंचगव्य के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, आप देखेंगे कि हम जब जीवामृत बनाते हैं तो गोबर है, गौमूत्र है, और गुड़ है, और बेसन है, और बरगद के पेड़ की मिट्टी है। तो इसमें गाय का हमने दो आइटम का यूज किया, तो इसको हम लोग कहते हैं द्विगव्य, दो दो गव्य का हमने प्रयोग किया। ठीक है, तो एक जो है माइक्रोबियल कल्चर की तरह है और एक जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, मतलब जो केमिकली केमिकल्स हैं बट नेचुरली अवेलेबल है काउ यूरिन में, मोर देन 30 जो माइक्रो एलिमेंट्स है वो मिल रहे हैं, तो वो दो हमें तो मिल गए। फिर हम देखते हैं कि जो घी है, घी को जब हम प्रयोग करते हैं अग्निहोत्र में, तो हम देख रहे हैं कि पंच महाभूत का पूरा प्योरिफिकेशन में उसका जबरदस्त प्रयोग है। एंड देन नारियल पानी का जो एक टेक्निकल जो पंचगव्य का पूरा जो सॉल्यूशन है, उसमें हम नारियल पानी और केले का प्रयोग करते हैं। और फिर आप देखिएगा कि बहुत जगह नर्सरीज में नारियल पानी में पौधे को डुबाकर रोपा जाता है। तो आप देखिए ये चीजें अलग अलग हो रही है, कोई जीवामृत का इस्तेमाल कर रहा है, कोई नारियल पानी का इस्तेमाल कर रहा है ना, तो घी का कोई इस्तेमाल कर रहा है अग्निहोत्र में। तो अब क्या है कि फार्मर को अगर ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग की तरफ हमको ले जाना है कि वो चार तरह के सॉल्यूशंस क्यों बना रहा है अलग 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 अलग, वो एक ही सॉल्यूशन बनाता है 15+4 19 डेज में, एंड उसको ग्रोथ प्रमोटर भी मिल गया, उसको जो है प्रिकॉशनरी मैनेजमेंट हो गया उसका पेस्ट का, उसको फंजीसाइड के रूप में भी उसका काम कर गया। तो एक ही सॉल्यूशन उसको 3 4 5 बेनिफिट दे दे रहा है, क्योंकि ये एक कंप्लीट सॉल्यूशन है। एंड वृक्षायुर्वेद के एंगल से देखें तो वात पित्त कफ दोष का शमन करता है। पूरा का पूरा पंचगव्य के आधार पर आप ह्यूमन ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं, यू सी, मतलब और कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं भी है, आप उसी के आधार पर करते हैं। तो पौधे में भी वृक्षायुर्वेद आपको कुणप जल और पंचगव्य दो आधार आपको दे देता है। कुणप जल जो फर्मेंटेड सॉल्यूशन है, दैट इज डिफरेंट थिंग, जो हम प्रोडक्शन के लिए लेते हैं। पंचगव्य इज ग्रोथ प्रमोटर एंड जो कवच बनाता है, दैट शील्ड शीट जो पूरा प्रोटेक्शन का है, वो पूरा का पूरा पंचगव्य करता है। जी, तो आपके एक्सपीरियंस से आपने देखा कि ये इतना इफेक्टिव है, और उसका साइंटिफिकली भी आपने समझाया हमें। तो टेम्पल पंचगव्य प्रोजेक्ट में हम जो निर्माल्य निकलता है उसे कलेक्ट करके पंचगव्य में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक दिक्कत ये आती है कि फॉर्मूला फिक्स्ड नहीं होता, क्योंकि अभिषेक जब हम करते हैं तो कहीं दूध ज्यादा हो जाएगा, कहीं घी थोड़ा कम हो जाएगा, ऐसे कुछ कॉम्बिनेशंस रहते हैं। तो क्या ये एक इम्पेडमेंट होना चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए हमें, और इसका कैसे सोल्यूशन हम ढूंढ सकते हैं? ये जो है ऑब्वियसली, मतलब आप फॉर्मूला आप फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, मतलब क्योंकि जो एग्रीकल्चर में जो रेशियोज बताए जाते हैं कि 5 kg लेना है या 3 लीटर लेना है, ऐसे ऐसे, वो तो आपको नहीं मिल रहा है। तो इसके रिजल्ट्स जो है वो अलग अलग आ सकते हैं। ये अगर हमारे में एक्सेप्टेंस है तो डाइल्यूशन रेट जो है वो मे बी सेम नहीं रहे, जो हम 6% या 3% पे जो हम काम करते हैं। बट जैसा मैंने कहा, नर्सरी में मैं इसको ज्यादा पुश करता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि नर्सरी के लिए ये कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। फार्म में प्रोडक्शन लेवल पे जरूर हो सकता है, दैट आई एक्सेप्ट कि वो जरूर होगा, मे बी ज्यादा लगे। स्प्रे अगर कोई फार्मर कर रहा है, वो यूज कर रहा है, तो इस बार उसको ज्यादा देना पड़े तो नर्सरी में, लेकिन वो 2 3 5 लीटर में हो जाता है तो उतना उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, और जैसे कई बार अलग अलग चीजें भी डाल देते हैं, हल्दी भी आ जाती है कभी कभी, भस्म भी आ जाती है, तो ये भी क्या डिस्टर्ब कर सकता है उसको? आपको क्या लगता है? ऑफकोर्स इस पे और साइंटिफिक रिसर्च भी चाहिए, बट एज अ पर्सन हु इज इनटू दिस, आपको क्या लगता है कि क्या हर चीज जो हम चढ़ा रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस हो सकती है पंचगव्य बनाने में, या कुछ चीजों का टोटली हमें नहीं एंटर करने देना है निर्माल्य में जो हम कलेक्ट करके पंचगव्य बनाते हैं? आपने 10 गव्य का नाम सुना है? 10 गव्य,
मतलब ये तो एक जी फॉर्म्ड नेम है। हाँ, तो क्या होता है कि फार्मर ने ही जैसे एक बनाया पेस्टिसाइड बनाया, मतलब शिवरात्रि का जो प्रसाद है वो पंचगव्य हो गया, और जो भगवान शिव पे चढ़ा वो पूरा पेस्टिसाइड है। सो सब तो पॉइजन है, ठीक है, भगवान शिव पॉइजन लेते हैं सारा, तो उससे पेस्टिसाइड बनाते हैं फार्मर, ठीक है। तो ऐसा किया गया है बहुत, फार्मर ने दोनों को आपस में ही मिला दिया, ठीक है, कि हम मैं क्यों दो बार स्प्रे करूं, मतलब ठीक है मिला, सब तो मिट्टी में ही जा रहा है, जैसे खिचड़ी बनाते हैं, सब तो पेट में जा रहा है तो खिचड़ी खा लेते। तो देखिए, जो हम लोग कहते हैं ना सुगंधि पुष्टि वर्धनम, अगर सुगंध है और उसका जो कलर है वो पैथोजेनिक जो होता है कि कीड़ा नहीं है उसमें मतलब एक होता है ना, वो एक कॉमन सेंस बताता है कि ये सड़ रहा है, ये चीज खराब है या ये चीज अच्छा है, तो सॉयल के लिए ऐसा कोई दिक्कत एज पर से होता नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये सारे जो हल्दी है भस्म है, ऊपर से भस्म तो हम लोग कुणव जल में अलग से डाल देते हैं, भस्म तो और बढ़िया चीज है क्योंकि वो सॉयल का पीएच, पानी का पीएच भी कंट्रोल कर देता है, ठीक है। भस्म से तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, हल्दी तो हम लोग होते हैं बहुत शानदार एंटीसेप्टिक है, उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि कोई सड़ा गला चीज अगर उसमें चला जाता है, ठीक है, तो वो आपको देखना है एंड कितना पुराना है, मतलब एक टाइम होना चाहिए कि, क्योंकि हमें जो है वो 15 दिन 19 दिन इसके बीच वाला रहता है तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि उससे ज्यादा है ये घी डालने का पंचगव्य का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है। आप घी हटा देंगे पंचगव्य से तो उसको कहेंगे हम चतुर्गव्य, ठीक है, ओनली 4 आइटम्स, ये एक्सपायर हो जाता है विद इन 15 डेज, विद इन अ मंथ एक्सपायर हो जाता है। घी रहने के बाद इसकी एक्सपायरी 6 मंथ 1 ईयर तक चली जाती है, यू सी। तो घी का कितना बड़ा रोल है उसकी एक्सपायरी होने में। तो आप कोई कहीं से आप कलेक्ट कर रहे हैं, वो अगर पुराना हो गया है 15 दिन 30 दिन, तो मे भी वो सही ना हो, नहीं होगा वो सही, ठीक है। तो उसमें आपको बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स करने पड़ते हैं, जो कहता है कि डिस्टिलेशन करो, हटाओ उसको, फिल्टर आउट करो। तो बट ये हल्दी एंड इवन धतूरा, इवन और भी कोई चीजें, उसके मिक्स से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मैं आपको आराम से बता सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। अच्छा, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी एक्चुअली। अभी तक हमें लग रहा था कि इन चीज से कोई दिक्कत आ सकती है, बट दिस इज वेरी गुड टू नो। तो रवि जी, धन्यवाद, आपने अपना समय आज हमें दिया और इतनी बातें, इम्पोर्टेंट बातें हमें इतनी सरलता से समझाई। तो मैं अपने दर्शकों से निवेदन करूंगी कि प्राकृतिक फूड को हम अपनाएं, जैसे इन्होंने कहा अन्नमय कोष, जब तक हम उस पे काम नहीं करेंगे हम आगे स्पिरिचुअली भी नहीं बढ़ सकते। तो अच्छा खाना भी आपको धनवंतरी नेचुरल फाउंडेशन के थ्रू जितने किसान इनके साथ जुड़े हुए हैं वो आपको अवेलेबल हो सकता है। और इनकी तीसरी किताब के लिए मैं पर्सनली बहुत इंतजार कर रही हूँ। और रवि जी इज काइंड इनफ टू सेंड अस 2 बुक्स ऑफ हिज काउ लाइब्रेरी के लिए। तो इन सब इनिशिएटिव्स के लिए और इस साइंस को वापस जागृत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका भी, क्योंकि ये यही यज्ञ है, यज्ञ में लोगों का जो एकत्रीकरण है भारत के अलग अलग कोने से, जो आप कनेक्ट कर रहे हैं धर्म के लिए, जो नंदी है ये धर्म का प्रतीक है हम कहते हैं ना, तो जी नंदी रक्षा वो धर्म की ही रक्षा है, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।